सोचिए कोई साया आपकी छत पर धमा चौकड़ी करे और अनजान आवाजें सुनाई दे तो आपका क्या होगा? डर के मारे आपके भी पसीने छूट जाएंगे। झांसी में भी कुछ ऐसी आहटें सुनाई देती हैं, मानो जैसे कोई परछाई सी चीज सट से गुजरी हो। कोई चलता है और दिखाई नहीं देता, कैमरे में कैद नहीं होता, आखिर वो कौन है? 22 रूम नंबर में हम लोग लेटे थे, तो वहाँ पे मतलब कि पहले तो लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई, फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली। दिखाई पड़ी थी, कोई आया था मेरी रूम में, 22 रूम नंबर है उस पर, मतलब ना। हाँ, कोई गया था दौड़ने, डर लग रहा है इसलिए जा। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के महिला राजकीय पॉलिटेक्निक के अंदर बने महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने अपना कमरा डर के मारे छोड़ दिया है। अनजान साए की दहशत में अचानक छात्राओं हॉस्टल को छोड़ दिया। हॉस्टल के खाली होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पॉलिटेक्निक प्रशासन को छात्राओं ने बताया कि यहां रात में अनजान चीज हॉस्टल के कमरों की खिड़कियों पर दस्तक देती है। हॉस्टल की छत पर वही दौड़ लगाता है, दौड़ने की शैडो साफ दिखाई पड़ती है। हॉस्टल के चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जिसके चलते छात्राओं में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि किसी अफवाह के चलते लड़कियां डर गई हैं। जानबूझकर कुछ लोगों के हॉस्टल में घुसने की अफवाह फैलाई गई है। हालांकि कुछ छात्राएं हॉस्टल जो छोड़कर गई थी वापस भी आ गई हैं। हाँ, तो वो उनकी शंका दूर करी गई थी, चारों तरफ से उनके चेक कराया गया था, कहीं कोई नहीं पाया गया, और जो है सुरक्षा की दृष्टि से पूरा स्टाफ है, वार्डन है तथा पीआरडी के जवान यहाँ लगे हुए हैं, 24 घंटे उनकी निगरानी रहती है, किसी प्रकार की किसी भी असुरक्षा की कोई संभावना नहीं है। मौके पर जांच करने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने भी बारीकी से पूरे हॉस्टल का मुआयना किया है। इस बात पर SPCT का कहना है कि पूरी तरह से हॉस्टल सुरक्षित है। हॉस्टल में PRD के जवान के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है, प्राइवेट चौकीदार भी लगे हुए हैं, हॉस्टल के चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को किसी भी तरह की डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये एक तरह से ये अफवाह ही है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे लोगों ने बात किया, जो ही इसकी सूचना मिली पुलिस तुरंत आ गई थी, उन्होंने यहाँ के बच्चों से भी बात किया, बच्चों ने बताया, किसी ने देखा नहीं, सबने बताया कि उस दीदी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना, ऐसा कोई भी आदमी मेरे सामने, मतलब कोई भी बच्ची सामने नहीं आई पुलिस के, जो इसने ये बताया हो कि नहीं हमने देखा है या हमने सुना है, कोई आवाज़ सुनी है। राजकीय ने छात्रवास में अचानक छात्राओं ने छात्रवास छोड़ दिया, जिसको लेकर झांसी जिले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस छात्रवास से छात्राओं ने क्यों छात्रवास छोड़ा, ये तो सवाल है, लेकिन छात्राओं का आरोप था कि यहाँ कई दिनों से उन्हें खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, इसी को लेकर उन्होंने छात्रवास छोड़ा है। इस पूरे मामले में झांसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस छात्रवास का निरीक्षण किया, ये वही छात्रवास है जहाँ से छात्राओं ने अचानक छात्रवास छोड़ा था। वहीं आप देख सकते हैं महिला छात्रवास है, यहाँ से ही उन छात्राओं ने अचानक छात्रवास छोड़ दिया, जिसको लेकर हो रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राएं सिर्फ भयभीत हो गई थी और वह डर गई थी, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी को लेकर सारे इंतजाम है, चारों तरफ से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन छात्राएं सिर्फ डर गई थी इसलिए वह छात्रवास छोड़कर चली गई। प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि छात्राओं से बातचीत हुई है और वह आगे आने वाले दिनों में छात्रवास ज्वाइन करेंगी। वीडियो चैनल के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।